Welcome back to our new video. So, आज हम लोग बनाने वाले हैं बुना गोश्त और मसूर की दाल. एंड आज मैं और अबू साथ में व्लॉग करने वाले हैं. So guys, आज हमने लिए हैं आधा किलो मटन, दो अदद प्याज, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और थोड़ा सा नमक हसबे जायका, और उसमें 300 ml जो है ना पानी डाला है. तो गाइस, मटन को जो है ना सीटी पे चढ़ा दिया है हमने, और इस तरफ मसूर की दाल बना रहे हैं. छोटा सा प्याज का टुकड़ा डाला है. तो गाइस, अभी ये प्याज जो है ना हल्की ब्राउन हो चुकी है, इस तरफ चावल चढ़ा दिए है, और इस तरह ये सीटी शुरू हो चुकी है. अब इसमें डालेंगे एक अदद टमाटर और मसूर की दाल. तो गाइस, अभी हम डाले थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च और नमक हसबे जायका. थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं चावलों में और नमक हसबे जायका जो है मसूर की दाल. उसके बाद है पानी दाल को जलाने के लिए. दाल को हमने 10 मिनट के लिए भिगोया भी था पानी में. तो गाइस, अभी ये मटन की सीटी बंद कर दी है, 10 मिनट सीटी चलाई थी इसकी, और दाल को हमने रख दिया है गलने के लिए, और बीच में ये जो है ना चावल चढ़े हुए. चावल तो हमने दा मानी कि जैसे जो है ना ठेका लिया हुआ हमने, हर रोज़ ये चावल तो ज़रूर बनेंगे डिनर में. ये टमाटर काट के रख दिए गोश्त के लिए. सो गाइस, मसालों में लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये कूटा हुआ धनिया, और ये कूटा हुआ जीरा. तो गाइस, इसमें अभी हम डाल दें थोड़ा सा तेल, कुकिंग ऑयल, 3 अदद टमाटर कटे हुए, और नमक तो हसबे जायका है, जिसको जैसा पसंद हो. ये मसाले जो आपको मैंने बताए थे वो इसमें डाल दें. दाल अभी गल गई है, अब इसको फ्राई करेंगे खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है दाल से. तो गाइस, अभी इसमें डाल दें 5 अदद हरी मिर्ची, ये थोड़ा सा जो है ना धनिया रखा हुआ है, तो गाइस अभी दाल बनने वाली है. इसके चारों तरफ से जो है ना तेल नजर आना शुरू हो चुका है. जैसे ये तेल नज़र आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, दाल में पानी शामिल कर दिया है. हरा धनिया डाल दिया है अब इसमें. हमारी दाल जो है ना वो बिल्कुल तैयार होने के नज़दीक है, 2 मिनट में बन जाएगी. तो गाइस, अभी दाल हमारी रेडी हो चुकी है और मटन अब इस पोजीशन में आ चुका है. तो
बगैर गोश्त के ऊपर से आप टमाटर डाल के फिर उसके ऊपर से जो मसाले डालते हैं ना, तो गोश्त बहुत लजीज बनता है। उसकी जो है ना खुशबू मसालों की पूरी जो है ना गोश्त में शामिल हो जाती है। आप कभी ये ट्राई करके ज़रूर देखना। आज इंशरा थकी हुई थी, वो बोर हो रही थी, इसने कहा आज मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ तो अबू आप मेरी हेल्प कर दें। तो इस वजह से आज उसकी जगह पे मैं जो है ना उसकी हेल्प कर रहा हूँ। लास्ट सीन में वो आ जाएगी वापस, थोड़ा रेस्ट कर ले क्योंकि ट्यूशन से जो है ना वो आज थकी हुई आई थी। 2 दिन छुट्टी थी तो वीकेंड पे हम कराची गए हुए थे, वो वाले कराची वाले व्लॉग भी आपने देखे होंगे। तो गाइस प्लीज़ जो है ना हमारे व्लॉग मुकम्मल देखा करें। आप एक एक मिनट दो दो मिनट जो देखते हैं ना तो उसमें हमें सपोर्ट नहीं मिलती है। आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, हमारा हौसला ज़्यादा बुलंद हो जाता है जब आप ज़्यादा देर वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं। और आपका हमारे व्लॉग पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब मटन की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो गाइस अभी जो है ना गोश्त में हमने डाली है 6 दर्द हरी मिर्ची, ग्रीन चिल्ली। तो गाइस अभी ये चावल तैयार हो चुके हैं और गोश्त भी अभी आखिरी मरहलों में है। देखो कितनी प्यारी जो है ना इसकी शक्ल हो चुकी है गोश्त की, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो गाइस मटन अभी रेडी हो चुका है, बस इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा बिल्कुल। इंशाल्लाह यहाँ पे अपने ट्यूशन का काम कर रही है। तो गाइस अभी ये साइडों से चिपक नहीं रहा ना गोश्त, तो इसका मतलब है कि गोश्त रेडी है अभी। और बहुत ही लजीज होता है ये बना हुआ मटन जो है ना, आप भी ज़रूर ट्राई करें घर पे। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। तो गाइस अभी ये रेडी है, अब ये बस सर्व करेंगे।